हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम देखेंगे रस। इसके पहले हमने अध्ययन किया अलंकार को एक कविता के माध्यम से, एक दोहा के माध्यम से। आज हम देखेंगे रस। आप सभी जानते हैं कि रस का अर्थ होता है एक प्रकार से उत्साह, एक प्रकार से आनंद। जैसे किसी भी चीज को हम ग्रहण करते हैं तो हमको एक विशेष आनंद की अनुभूति, वैसे ही हम जब कविता, कहानी, उपन्यास या अन्य कोई भी बुक को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनसे हमको जो एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसी को क्या कहते हैं काव्य शास्त्र में रस कहते हैं। काव्यम रसात्मकम वाक्यम। तो बहुत से रसवादी आचार्य हुए, रस को काव्य का एक विशेष अंग माना कि काव्य में रस का होना अत्यंत आवश्यक है। भरत मुनि जैसे, विश्वनाथ जैसे आचार्य ने रस के महत्व को जो है बहुत महत्वपूर्ण बता लाया और रस के लिए एक आवश्यक, काव्य के लिए एक आवश्यक अंग माना। तो चलिए देर न करते हुए है ना हम अध्ययन करेंगे आज रस। रस आप सभी जानते हैं कि रस का जो है मुख्य जो प्रकार है नौ रस। कितने रस है? नौ प्रकार के रस। और उन नौ रसों को हम इस दोहा के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। और उस इन नौ रस के अलावा दसवां जो रस होता है वात्सल्य रस होता है, जिस पर ध्यान इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि वात्सल्य रस को भी एक श्रृंगार रस का माना गया है। और एक ग्यारहवां रस और आ गया है जो कि अभी सिलेबस में नहीं जोड़ा गया है, रस के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, और वो जो रस है भगवत विषय रस। भगवान का अपने शिष्य के प्रति, अपने दास के प्रति जो प्रेम है वो रस, वो भी ग्यारहवां रस है, उसको भी जो एक प्रकार से श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम देखते हैं आज रस और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा, चाहे नेट हो, सेट हो, जेआरएफ हो, सीजीपीएससी हो, व्यापम हो या अन्य ऑल इंडिया लेवल की कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उसमें रस से संबंधित एक प्रश्न बनता ही है। और ये नौ रस, और नौ रस के अंतर्गत ये जो नीचे वाला लाइन है, नीचे वाला जो पंक्ति है, ये जो है ऊपर वाले जो रस के स्थायी भाव है। अधिकतर स्थायी भाव को पूछता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है ना। तो रस के प्रकार नौ प्रकार और रस के विभिन्न जो स्थायी भाव है, उन भावों को जो है यहाँ पे हमने लिख दिया है जो कि एक दोहा के माध्यम से। और इस रस से संबंधित विस्तृत हमारा जो वीडियो है बहुत जल्द आने वाला है, उसका भी अध्ययन आप लोग कर सकते हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हम रस के विभिन्न अंगों को बताएंगे, रस के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, स्थायी भाव की संख्या, विभाव की संख्या, अनुभाव की संख्या, संचारी भाव की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित जो है उसमें अध्ययन करेंगे। चलिए हम आज देखते हैं रस। रस मतलब काव्य शास्त्र में एक विलक्षण आनंद की अनुभूति को रस कहा गया है। तो हम पढ़ते हैं करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। देखिए करुण रस एक, हास्य रस दो, श्रृंगार रस तीन, वीर रस चार, भयानक रस पांच और ये शांत रस छह। छह रस ऊपर में आ गए और ये छह रस के जो है क्या है स्थाई भाव है। करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, श्रृंगार रस का रति, वीर रस का है ना उत्साह है ना, और भयानक रस का भय, निर्वेश का शांत, ठीक है, ये जो है सब का जो है स्थाई भाव है। तो देखिए करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास्य रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अब देखिए छह तो हो गया, अब तीन का अध्ययन करना है, ये सातवां
आठवां और ये नौवां, और इसी का जो है ये स्थाई भाव। ठीक, अब पढ़ते अद्भुत रौद्र विभस्स के कारण नौ रसिता सम्मान बना, विभस्स क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थाई भाव बना। इस प्रकार से ये हुआ हमारा नौ रस, और नौ रस के विभिन्न जो स्थाई भाव है, इन स्थाई भाव का जो है हम यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। इस प्रकार से ट्रिक आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे, और ऐसी वीडियो हमको यदि चाहिए आप तक पहुंचाने का हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे ढंग से वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें।